झारखंड राज्य एएनएम जीएनएम अनुबंध कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष रेखा कुमारी एवं संघ के सचिव गीता हेम्ब्रम ने राज्य कमेटी के आह्वान पर आज सिविल सर्जन जामताड़ा एवं उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन सौंपकर विगत साल अगस्त माह से समायोजन नियमितीकरण एवं अन्य मांगों को लेकर एएनएम जीएनएम संघ और पारा चिकित्सा संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए थे। हड़ताल के दौरान माननीय मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री से सकारात्मक वार्ता होने के बाद राज्य कमेटी द्वारा हड़ताल वापस ली गई थी। 9 माह होने के बावजूद भी सरकार इस पर कोई ठोस पहल नहीं कर पाई है, जिससे अनुबंध कर्मियों में रोष व्याप्त है। झारखंड राज्य में सबसे शोषित कर्मचारी है तो वह है अनुबंधित पारा चिकित्सा संघ सभी कर्मी। चाहे वह मानदेय का मामला हो या सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में सेवा देने की बात हो, हमारे अनुबंध कर्मी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र पहाड़ जंगल में जा जाकर सरकार के कार्यक्रम को सफल बना रही है। स्वास्थ्य विभाग अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि कोविड-19 महामारी काल में हमारे कितने अनुबंधित कर्मी काल के गाल में समा गए। चुपचाप रही सरकार। सरकार को उपायुक्त महोदय एवं सिविल सर्जन महोदय के द्वारा चेतावनी दी गई है कि 31 मई तक हमारी मांगे समायोजन नियमितीकरण एवं समायोजन होने तक समान काम का समान वेतन सरकार दे। 31 मई तक जल्द ही कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो 1 जून से 3 जून 2021 तक सरकार एवं विभाग के विरोध में सभी अनुबंध कर्मी काला बिल्ला लगाकर कार्य करेंगे। यदि 3 जून तक सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो 4 जून से अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी स्वतः होम आइसोलेशन में चले जाएंगे। इस दौरान यदि किसी के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसकी सारी जवाबदेही सरकार और विभाग की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आरपी भारत, जामताड़ा। आप लोग कहाँ आए थे? हम लोग आए थे सिविल सर्जन ऑफिस अपना ज्ञापन देने के लिए। किस चीज का? नियमितीकरण का। नियमितीकरण का। तो आप लोग तो बहुत बार दिया है ज्ञापन। बहुत बार, पिछले साल भी हम लोग दिए थे। अच्छा। और पिछले साल में भी सकारात्मक बात हुई थी सरकार से। हाँ। और मतलब कि आप लोग के लिए कुछ किया जाएगा, लेकिन सरकार अभी तक अंतिम नहीं कर दी। कितना दिन पहले? 9 महीना। 9 महीना पहले। अच्छा अच्छा। 9 महीना पहले हम थे हड़ताल अनिश्चित काल की। अच्छा। सरकार ने हमारी बातें को मानी थी, सकारात्मक पहल भी हुआ था, लेकिन अभी फिर सरकार अनसुनी कर दी है तो हम लोग बाध्य हो करके इस कोरोना काल में हम फिर मतलब 31 मई तक अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर सरकार सुन लेती है तब तो ठीक है, नहीं तो 1 जून से 3 जून तक हम लोग काला बिल्ला लगाएंगे सरकार का विरोध में। और फिर तो भी सरकार नहीं सुनती है तो 4 तारीख से होम आइसोलेशन में हम लोग पूरे राज्य का जितनी भी एनएम है सभी चले जाएंगे। अच्छा, तो यदि इस दौरान, इस महामारी के दौरान यदि कोई किसी तरह से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है या कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? सरकार होगी। और विभाग? विभाग होगी। अच्छा, आप यानी इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें हम, इसमें सचिव आई है। शामिल कौन कौन है? एएनएम जीएनएम है और कौन कौन शामिल? लैब टेक्नीशियन है, नेत्र सहायक है, फार्मासिस्ट है और साथ में एनएमजीएनएम। साथ में एनएमजीएनएम। अच्छा, एनएचएम का। आपका क्या नाम है? रेखा कुमारी, जिला अध्यक्ष, जामताड़ा। आपका? गीता हेमराम, सचिव, जामताड़ा। निर्माण का भरोसा लाल स्टील जीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील जीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का